व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ डालगोना की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी जैकफ्रूट से बनी हुई, जिसको बनाने के लिए ये मैं थोड़ी सी पके हुए जैकफ्रूट ली हूँ और उसके मैं पहले सीड्स और इसके ब्लैक वाले लेयर को रिमूव कर लेंगे। और अब हम लोग चाय छन्नी की मदद से लगभग हाफ कप हम लोग इसकी जूस निकाल लेंगे। जूस निकल गया है और अब ये पीसेस को हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसे हम लोग साइड करके रख देंगे। और अब चलिए हम लोग व्हिप क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो व्हिप क्रीम रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे हाफ कप व्हिप क्रीम पाउडर ली हूँ और उसमें 2 स्पून चिल दूध डाल के उसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम लोग मीटर से इसे बीट करेंगे लो टू हाई स्पीड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट बीट होने के बाद हम लोग इसमें जैकफ्रूट के पल्प यानी कि जूस डालते हुए 2 मिनट और बीट कर देंगे। और ऐसे ही बीट करके हम लोग जैकफ्रूट व्हिप क्रीम रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम लोग कलर ऐड करेंगे। तो कलर ऐड करने से पहले हम लोग एक इसे बड़े से बॉल में ले लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा बन रहा है, इसे मैं एक बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी। और अब देखिए इसे मैं एक बड़े से बॉल में ट्रांसफर कर ली हूँ। ट्रांसफर करने के बाद अब इसमें हम लोग 1 पिंच कलर ऐड करेंगे। तो ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और फिर कलर ऐड करने के बाद इसे हम लोग एक बार बीटर से फिर से चला लेंगे, ताकि कलर व्हिप क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसके कलर पूरे जैकफ्रूट के कलर चले आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अब देखिए ये जैकफ्रूट व्हिप क्रीम रेडी हो चुका है पूरे जैकफ्रूट के कलर के साथ। तो अब चलिए इसे हम लोग पाइपिंग बैग में भर के और फिर इसे हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट तक रख देंगे, ताकि व्हिप क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम लोग ऐसे 2 ग्लास लेंगे। अब हम लोग ठंडा दूध 150 ml ठंडा दूध लेंगे और फिर इसे हाफ अप यानी कि 75 ml एक ग्लास में और फिर 75 ml दूसरे ग्लास में हम लोग डाल देंगे। और अब दूध डालने के बाद ये जो बचे हुए जैकफ्रूट के पीसेस थे, जिसको कि मैं पहले से ही सीड्स और इसके अंदर के ब्लैक वाले जो लेयर थे वो निकाल के रिमूव करके मैं रखी थी, तो अब उसको भी हम लोग दूध में इस तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग डालगोना बनाइएगा ना, तो आप लोग हमेशा दूध या फिर जो जैकफ्रूट के पीसेस हैं वो ये सब ठंडा यूज़ कीजिएगा, मतलब रूम टेम्परेचर में हमें नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ दूध और फिर जैकफ्रूट के पीसेस को यूज़ करना है। और अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप यूज़ करूँगी। तो मैं ये हर्सली का चॉकलेट सिरप 1 स्पून के लगभग तरह से इसमें डाल दूंगी। और अब लास्ट में जो व्हिप क्रीम मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखी थी उसे भी इसके ऊपर सजा लेंगे। तो ये देखिए, ये हम लोग का जैकफ्रूट व्हिप क्रीम बिल्कुल सेट हो चुका है, बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब चलिए इसके ऊपर हम लोग इसे भी डाल देते हैं। इसे आप लोग जैसे भी डालना चाहें, जैसे भी आप लोग सजाना चाहें, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसे सजा सकते हैं। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा व्हाइट क्रीम भी इसके ऊपर रख देंगे।